Example number 2.8, page number 50, NCERT. The boiling point of benzene is, benzene ka original boiling point kitna hai? 353.23 Kelvin. This is original boiling point. Original boiling point ko hum kaise likhte hain? This is boiling temperature original. Ke liye not laga diye, TB not. When 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ले रहे हैं हम 1.8 और किस में मिला रहे हैं 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किस में डिसॉल्व कर रहे हैं 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में बेंजीन की क्वांटिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट हो जाएगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है सॉल्यूट हो जाएगा वैसे भी मैं उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल रहा हूँ ठीक है अच्छा देखिए पहले बेंजीन कितने पे उबल जाता था बॉयल हो जाता था 353.23 पे जब आप ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे बेंजीन में तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको उबालने के लिए हमको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा द बॉइलिंग पॉइंट इज रेस्ड टू कितना हो गया इंक्रीज होके 354.11 पहले कितना था 353 ये कितना हो गया 354 इंक्रीज हो गया ठीक है होता ही है वेपर प्रेशर कम होता है तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर दे के उसको उबालना पड़ता है अच्छा इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जिस सॉल्यूट को आपने मिलाया है 1.8 ग्राम उसका मोलर मास बताइए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और इसके लिए बेंजीन के लिए केबी हमको बता दिया गया है व्हाट इज़ केबी मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट हमको बता दिया गया है अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमको मोलर मास निकालना है मोलर मास कहाँ होता है पहले हम यहाँ पर आते हैं हमको फॉर्मूला मालूम है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी ठीक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी 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 और मोलैलिटी को आप क्या लिख सकते हैं देखिए ना दिस इज डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर दिस इज केबी और मोलैलिटी का क्या मतलब होता है मैं अलग से इसको लिख देता हूँ यहाँ पर मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ठीक है और इसको आगे चेंज करिए नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का है तो मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो मोलैलिटी की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं तो चलिए मोलैलिटी की जगह हम ये पुट कर रहे हैं दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी केजी और अगर ये केजी में नहीं है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन करिए यानी इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो वो डिवीजन वाला 1000 ऊपर चला गया अब ये केजी में हो गया ठीक है अब पहचानिए यहाँ सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है जो कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा है कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होने वाला ये क्या बन गया सॉल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होने वाला ये क्या बन गया सॉल्वेंट ठीक है तो बेंजीन सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूट है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है तो आंसर है हमको निकालना ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो अगर ये क्वांटिटी निकालनी है तो बाकी सब पता होना चाहिए हम चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ दी है क्या अननोन है जो अननोन होगा उसको निकाल लेंगे देखिए यहाँ से नीचे शुरू करता हूँ दिस इज़ मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है क्या आंसर है हाँ 90 ग्राम उसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे ये 1000 लगाया है डायरेक्ट 90 ग्राम लिख सकते हैं ऊपर क्या है मास ऑफ सॉल्यूट ये है मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है केबी ये देखिए केबी की वैल्यू 2.53 केल्विन केजी पर मोल गिवन है डेल्टा टीबी क्या चीज़ होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हमको गिवन नहीं है तो ये हम निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ा हुआ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का माइनस ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट अब कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया सॉल्यूट मिलाने से देखिए पहले कितने पे उबलता था बेंजीन 353 पे बाद में कितने पे उबल रहा है इतना तो चेंज कितना आया ज़्यादा माइनस कम ज़्यादा कौन है 354.11 माइनस कम कितना है 353.23 तो डेल्टा टी बी कितना आएगा तो इसको हमने कैलकुलेट करके देखा ये हमको कितना मिल रहा है तो आंसर है ये मिलता है 0.88 केल्विन ये कितना आएगा माइनस करने से दिस इज़ 0.88 केल्विन ये आ गया डेल्टा टी बी अब डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और मोलर मास हम निकाल लेंगे तो अब मैं फार्मूला मेन फार्मूला लिखता हूँ इसको इधर ट्रांसफ़र किया और डेल्टा टी बी इधर ट्रांसफ़र किया देयरफोर
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आंसर है दिस इज kb मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा tb, नीचे आ गया डेल्टा tb मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, kb हमको कितना दिया हुआ है 2.53, यूनिट रखिए मत रखिए कोई दिक्कत नहीं, हमको मोलर मास की यूनिट पता है, किस में आएगा आंसर ग्राम पर मोल में, ठीक है, सब बाकी सारे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ग्राम पर मोल बचेगा। सो 2.53 केबी की जगह, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज 1.8 ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी, अभी अभी हमने कैलकुलेट डेल्टा टी बी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया भाई डेल्टा टी बी, दिस इज 0.88 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, और उस ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हमको आंसर देता है 58 ग्राम पर मोल। ये किसका मोलर मास आ गया भाई, उसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जिसको मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट 353 से बढ़ के 354 तक पहुंच गया था, उसी का जिसका उसी सॉल्यूट का मोलर मास है जिसको कितना मिलाया था 1.8 ग्राम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।